गिर गया है। बड़ी खबर, हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। भीषण हादसे में 16 लोगों की जान गई है। लगातार हमला जारी है रूस की ओर से, लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया और इस क्रैश में गृह मंत्री की जान चली गई है। यूक्रेन से ये खबर आई है। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है, जहाँ राजधानी कीव का ये अपार्टमेंट बताया जा रहा है। राजधानी कीव में ये अपार्टमेंट था जहाँ पर हेलीकॉप्टर गिर गया। इस हादसे में यूक्रेन के जो गृह मंत्री है उनकी जान चली गई और भी लोग जो वहां पर मौजूद थे उनकी भी जान चली गई है। संख्या 16 बताई जा रही है। 16 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान इस हादसे में गंवा दी है। और यूक्रेन की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था। बेहद भीषण हादसा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग पूरी की पूरी इमारत में यहाँ पर लगी हुई है और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। यूक्रेन ने बाकायदा क्रैश होने का दावा यहाँ पर किया और इस हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री जो है उनकी जान चली गई है। जो यूक्रेन के गृह मंत्री हैं डेनिस, उनकी जान चली गई एक अपार्टमेंट की बताया जा रहा है जहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और ये दावा देखिए खुद यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि हमलों के बीच में ये भी कहीं ना कहीं आशंका थी कि क्या किसी तरह का कोई हमला तो नहीं था जिसमें गृह मंत्री की जान गई है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हो गया था और भी लोग वहां पर मौजूद थे और क्रैश होकर ये हेलीकॉप्टर उस अपार्टमेंट पर जाकर गिरा जिस भीषण हादसे में 16 लोगों की जान चली गई है। राजधानी कीव में ये हादसा जो है वो पेश आया है। यूक्रेन के गृह मंत्री देखिए अभी इस भीषण जंग के बीच में लगातार उनके बयान भी यहाँ पर सामने आते रहते थे। लगातार मोर्चे पर जब यूक्रेन डटा हुआ है तो तमाम मंत्रियों की ओर से जो सारी बातें हैं वो यहाँ पर कही जाती थी। उन्होंने भी जब युद्ध यहाँ पर लगातार चल रहा है तो रूस को लेकर कई बार खरी खोटी सुनाई थी और ये कहा था पश्चिमी देशों से अपील यहाँ पर भी लगातार मदद की जा रही थी। और गृह मंत्री जो यूक्रेन के हैं वो इस चॉपर क्रैश में उनकी जान चली गई है। बर्फबारी लगातार पहाड़ों पर हो रही है जिससे कि